अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो मैं तो पहले वैसे ही जाने लगा था उसको, मैंने कहा चलो मिट्टी में दबा देते हैं, लेकिन मैंने कहा अपनी YouTube फैमिली के साथ भी इसको शेयर करें। ये मेरे पीछे आप जो तोते देख रहे हैं, ये देखें, ये जो रेड आइज है ना, इसके साथ का एक जो सा तोता है ना, तोता है या तोती है, वो एक्सपायर हो गया। तो वो मैंने ये देखें जी, ये माशाल्लाह नया जोड़ा एक लेके आया था, ये मैंने रख दिया अंदर। तो मैंने बाद में सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाते, तो वो मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ जो पीस एक मर गया। तो दुख तो बहुत होता है, लेकिन जानदार चीज़ है तो कोई बात नहीं, नफा और नुकसान इनकी का हिस्सा है। तो ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये बस समझ नहीं लगी, ये आप रेड आइज भी देख सकते हैं कि क्या मसला हुआ इसे। बस मर गया, मर जानदार चीज़ थी, मर गया। तो अब इसको मिट्टी में दफना देते हैं। ये मिट्टी का घड़ा खोद लिया, तो इसमें फेंक देते हैं। ये देखो जी, ये क्यारी में सारा बाजरा ही बाजरा है। ये एक नींबू का पौधा लगा है, बाकी ये बाजरा फेंका था, इधर कंगनी चीना फेंका था। लें जी, ये बच्चा माशाल्लाह इन्होंने बड़ा कर दिया काफ़ी। इसने भी अंडा दे दिया एक, आज या कल दूसरा भी दे देगा। देखें जी, दाना इधर पड़ा हुआ है, दाना निकाल देते हैं। भाई बिट्ठे कर रहे हैं, इनका भी पिंजरा बदलना है। ये देखें जी, ये सारे ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं। वो देखें जी, अंदर बैठे हैं सारे। लें जी, आज आपको मैंने काफ़ी सारा आप अपनी सैड न्यूज़ बताई है, क्योंकि जब बर्ड्स मर जाते हैं ना तो बंदा काफ़ी सैड हो जाता है। तो ये देखें, अभी ये मुर्गा खोला, इधर बंद किया था मैंने ये। ओहो, ये देखो, मौसम जो देख सकते हैं आप, ऊपर काफ़ी अच्छा हुआ है, बादल छाए हुए हैं हर तरफ, बारिश का मौसम है। तो परिंदे काफ़ी इंजॉय करते हैं इस मौसम में, बस ज़्यादा गर्म भी ना हो, ज़्यादा सर्द भी ना हो, परिंदों के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये जोन से हमने इधर छत छत वगैरह पे रखे होते हैं ना उनके लिए। बाकी जोन से बर्ड्स माइग्रेशन वगैरह करके आते हैं, जैसे मोर वगैरह आते हैं ना, वो -10 तक रह लेते हैं, और जौन सा 60 डिग्री तक वो टम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसे ही हर परिंदे का हिसाब होता है। वो देखें जी, बच्चे लाना ऊपर मैं भूल गया था। तो ये देखें जी, कैसे रोटी खाने के लिए आए हुए हैं, ये देखें। इनको मैं डाल लूँ थोड़ी सी तोड़ के, क्योंकि एक हाथ से कैमरा
करें, कोशिश करते हैं आपके लिए कि आप दोस्त देख सकें। देखें जी, ये मुर्गे को पता है ये बच्चे इसके हैं, तो इनको कुछ भी नहीं कहता, ये अल्लाह की कुदरत है। तो कमेंट्स भी लाजमी किया करें। वो देखें जी, वो कौवा आ गया छत पे कि मुझे भी रोटी दें, तो कमेंट्स लाजमी किया करें। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, आवाज़ चल रही है, मौसम बहुत खूबसूरत है, तो बस दुआ करें मेरे ना जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो फिर पैसे जमा कर रहा हूँ मैं इधर पिंजरे बनाने के लिए। ये मेरे पीछे आप जो जगह देख रहे हैं, इधर फिर पिजन रखेंगे कबूतर, तो बोला करेंगे काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, तो हमें याद रखिएगा। देखें जी ये बच्चे माशाल्लाह, ये देखें जी ये तरबूज के छिलके सूखे हुए हैं, वो ही खाते रहते हैं ये। मौसम देखें कितना बहुत ही प्यारा हुआ है, ये देखें कौवा उड़ रहा ये देखें जी माशाल्लाह ऊपर आ गए, ये दे आ रहे नीचे, ये देखें बच्चों को इधर छोड़ा है मिट्टी में है ना, पाँव वगैरह मारे, ये इनके पर नोच रही है, इसको बाहर निकाल देते हैं, बच्चों को अपने पास बुला के इसके पर नोच रही है। आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, जौन से मेरे ये कबूतर है ना, है ये एक्सपेंसिव, तो कल या परसों उनको पर काट देंगे, क्योंकि मौसम ये ठंडा जौन सा होता है ना, इसमें उनका उड़ने का बहुत दिल करता है, तो वो उड़ के उधर बैठ जाएंगे सामने, कहीं भी बैठ सकते हैं वो छत पे ना, तो फिर मेरे लिए काफ़ी मसला बनेगा कि उनको मैं पकड़ नहीं सकता। बच्चे अकेले छोड़े हुए हैं अंदर, चेक करते हैं क्या कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं मस्ती कर रहे हैं मिट्टी में। ये बादल आपको जाता हुआ नज़र आ रहा होगा, देखें कहाँ पहुँच गया है वो, देखते जाएं किधर जा रहा है।